अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होगे, फिर अपने लाइफ को एंजॉय करोगे। तो यार आज हम गाड़ी को दोबारा से मैकेनिक के पास लेके जा रहे हैं, और मैं तो आप लोगों को पता है इसमें रहता ही रहता हूँ, और दोबारा से भी हम जा रहे हैं और गेटे वेटे वगैरह बंद करते हैं और उसके बाद गाड़ी में बैठते हैं। तो चलो जल्दी से निकलते हैं और गेट वगैरह बंद करते हैं। यार हमारा काम तो छोटे होने का तो यही काम है ना, गेट वगैरह बंद करना और ये चीज़ें। तो चलो चलो जी। तो जी अभी बोरी कलाओगा, तो जी अभी बोरी देने आए थे और गाड़ी वहाँ से मुरी, आप लोग चेक कर सकते हो। अभी यहाँ से रास्ता नहीं है, तो यहाँ से भी रास्ता नहीं है और यहाँ से तो है लेकिन ख़राब है, तो इसलिए वहाँ से तो नहीं जा सकते, तो यहाँ से जाएंगे। और जी ब्रदर, तो चलो अभी चलते हैं दोबारा से। ये दुकान है नज़र उस्ताद, नज़र अहमद मोहम्मद, तो इसके पास आए और ये सारे मकैनिक की दुकान है। पता ही नहीं गाड़ी में कोई मसला है, धुआं वाइट निकल रहा है तो उसका मसला है, तो देखते हैं जानी क्या होता है। अभी देखते हैं ब्रो अंदर देख रहे, वो लोग चेक कर रहे कि क्या सिस्टम है ना, तो शायद तो ब्रो इस गाड़ी में ऐसा मसला है ना कि थोड़ा बहुत मसला है, इतना ज़्यादा मसला नहीं है ब्रो इस गाड़ी में, छोटे मोटे मसले इस गाड़ी के अंदर, तो ये ठीक करवाए गए भी। तो ये है जी नज़र दुकान, नज़र मोहम्मद का दुकान, और ओपी किस्म का जी बाज़ार है यहाँ पर, सारे मकैनिकों की दुकान है। तो धूप बहुत तेज़ लग रही है तो इसलिए आपका भाई थोड़ा सा पीछे चला गया है और चुप रहा है थोड़ा सा। तो ये पूरा जी सिस्टम है, तो अभी ठीक करवाते हैं गाड़ी और चेक करते हैं, शायद आज ठीक करवाए कल आए, तो देखते हैं। मेरा सीन तो नहीं था आने का, लेकिन चलो मैंने कहा व्लॉग वगैरह बना लेते, तो देखते हैं यार बस जो व्लॉग बना तो बना के आपको दिखाएंगे, और उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगेगा। जी अभी दूसरे लोकेशन और दूसरे मकैनिक के पास आए, रफीक भाई के पास, तो देखते हैं इन लोगों ने तो रफीक भाई दिखाया है, तो देखते भी क्या सीन होता है ना, सीन सीन पर चेक कर दिया जाएगा। तो देखते हैं, अभी तो ऑयल का कोई मसला बताया जा रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। तो जी भाई अभी टायर चेंज करवाने के पास आए, मतलब टायर चेंज ही करवाना, टायर में पंचर है, इस टायर में जी पंचर है तो उसको ठीक करवाना है। ये सारे अब टायरों वाले के पास आ गए, तो देखते हैं यार ये छोटे मोटे मसले हैं इसके अंदर, तो वो हम ठीक करवाएंगे। तो चलो अभी टायर वाले के पास मिलते हैं, उनसे पंचर लगवाते हैं, तो फिर उसके बाद आप लोग साथ मिलते हैं। जी अभी गाड़ी का मुरम्मत किया जा रहा है, टायर खोला जा रहा है यहाँ पर गाड़ी का, आप लोग देखो, और गाड़ी को आधे किस्म से उठा दिया गया है। ये जिस गाड़ी का सीन है, खोल रहे गाड़ी को पूरा, मतलब पूरा नहीं टायर को सिर्फ खोल रहे। चलो तो जी गंजा हो गया टायर, अभी टायर में पंचर है, तो चलो पंचर चेक करवाते हैं। तो जी अपने टांकवई के मकैनिक के पास अभी हम आए हैं, और यहाँ पर भी रश है, और ये जो टायर है जी, टायर का जो सीन है ना, तो वो तो कह रहा था बंदा कि पंचर नहीं है इसको, इसमें पंचर नहीं है, ऐसी कोई हवा में कोई मसला होता है, तो इसलिए तो टायर वायर दोबारा से उसने लगा दिया था, कोई पंचर वगैरह नहीं था। और ये पूरा अपने गांव के मकैनिक के पास आए, जो पहले मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया, शायद आप लोगों ने वो पिछला व्लॉग देखा, तो चलो इसमें कुछ लाइटों का मसला है तो वो ठीक करवाते दोबारा से। तो जी यार भाइयों अभी हम मकैनिक के पास से आ गए हैं घर, और दो तीन मकैनिकों को हमने दिखाया है गाड़ी, वो यही कह रहे थे, एक ने तो टायर वाला बोला है कि टायर का कोई मसला नहीं, ये तो ऐसे ही होता है, तो अभी तक तो फ़िलहाल ठीक है, लेकिन अभी जो अंदर जो लाइटें वाइटें के मसले तो वो भी डन हो गए। अभी एक और मसला है, वो आप हमने कल दिखाना है तो वो देखेंगे, लेकिन यार बस अभी इस व्लॉग को एंड करते हैं। अगर ये वाला व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो, छोटा सा व्लॉग है, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दूसरी वीडियो तक इंतजार करना।